नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनावर थाना अंतर्गत सिंघाना के पास गंधवानी के कॉटन व्यापारी चिराग खंडेलवाल की मुनीम वसीम खान से 2,23,000 रुपए की लूट हुई। वसीम बड़वानी के व्यापारी शुभम अग्रवाल से 2,23,000 रुपए की वसूली कर रात को गंधवानी बाइक से जा रहा था कि सिंघाना और भैंसावद गांव के बीच अचानक पीछे से बाइक पर दो अज्ञात बदमाश आए और वसीम खान को ओवरटेक कर बदमाशों ने वसीम के ऊपर लाल मिर्ची फेंक दी। वसीम की आंखों में लाल मिर्ची लगते ही वसीम की आंखों में जलन हुई तो बाइक रोक तो दी। इतने में बदमाश वसीम के पास आए और वसीम से छीना झपटी कर वसीम के जेब में रखे 2,23,000 रुपए बदमाश लेकर फरार हो गया। वसीम ने जिसकी सूचना पुलिस चौकी सिंघाना को की गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की मगर अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सर, वसीम नाम है मेरा, गनवानी का रहने वाला हूँ। बरवानी से व्यापारी का पेमेंट लेके गनवानी जा रहा था। सिंघाना और गनवानी के बीच में मेरे साथ लूट हुई और मैं बाइक से था और दो चालक बाइक वाला आए, मेरी आंख में मिर्ची डाली, 2,23,000 रुपये लूट ले गए और फरार हो गए। जिसकी शिकायत मैंने सिंघाना चौकी पर करी, FIR दर्ज करवा दी। कल वसीम और उसका साथी आमिर दोनों बड़वानी से गनवानी जा रहे थे, जो सिंघाना क्षेत्र में भैसावद रोड के पास इनके साथ वारदात हुई है, जिसमें इनके पास से नकदी ये पैसे लेकर जा रहे थे। 2,23,000 रुपए के लगभग राशि थी जो अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनसे छीन ली गई, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस उसमें संदिग्ध बदमाशों की सर्चिंग कर रही है। अनिल तोमर, मनावर की रिपोर्ट।